पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके अलावा डायरेक्टर हैं क्लासिक हॉस्पिटल जो कि कानपुर में है। डॉक्टर राशिद आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर राशिद आज हम आपसे पूछने वाले हैं कि गैस्ट्राइटिस क्या होता है और ये कितना कॉमनली पाया जाता है। गैस्ट्राइटिस असली क्या है कि गैस्ट्रिक बोलते हैं स्टमक को, जो खाने की थैली होती है, तो उसमें जब सूजन आती है उसको हम लोग गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। और गैस्ट्राइटिस जो होते हैं ये कॉमन बीमारी है आजकल के दौर में, जो हम लोगों का आजकल खाने पीने का जो सिस्टम है और जंक फूड वगैरह जो भी हम लोग खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं स्पाइसी होते हैं, खाने में फ्राइड होते हैं, तो हम लोग ज्यादातर पसंद करते हैं। उसकी वजह से जब खाने की थैली में सूजन आती है उसी को गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। ओके एंड सर, आजकल ये कितना कॉमन है आपके पास, लाइक बहुत सारे जो पेशेंट्स आते हैं, क्या आप ये आम देखते हैं, बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है इसे? जैसे कि ज्यादातर ये छोटे बच्चों में तो नहीं होता है, बहुत ही रियल होता है, लेकिन जो बड़े हैं 20 साल के बाद और अब तो 60 इयर्स 70 इयर्स, तो ये तो एक कॉमन चीज है, क्योंकि जो भी यंग जैफ है, हमारे यहाँ बच्चे हैं, वो जंक फूड तो खाते ही खाते हैं। हफ्ते में 2-3 दिन कहीं रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं, कहीं बाहर का खाना खाते हैं, स्पाइसी लेते हैं, वो मेन काज यही है। इंडिया में तो ये बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही रियल, दूसरे कंट्री में शायद उतना स्पाइसी मिलता ही नहीं है मार्केट से, तो यहाँ से हम लोगों का जो चेंज हो गया खाने पीने का, हर घर में बच्चा हफ्ते में 1-2 दिन बताता है मैं आज बाहर खाना खाना, आज हमने ये खाना स्कूल में वो खाए, तो ये मेन काज है ये गैस्ट्राइटिस। और दूसरा काज ये है कि दवाइयां कुछ, अच्छा तो कुछ दवाइयों की वजह से भी गैस्ट्राइटिस होता है सर। जैसे पेन किलर इंसान खाता है, पेन किलर लेता है पेशेंट, एस्प्रिन, नॉन-स्टेरॉयड एंटीइंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, कुछ दवाइयां होती है जो नुकसान दे, जो भी वो भी इन्फ्लेमेशन ले आता है, वो भी सूजन लाते हैं खाने की थैली में, वो अवॉइड करना चाहिए, जबकि वो कॉमनली हमारे इंडिया में बिकती है, चाहे हर एक दुकान पे जाके सर दर्द की जाओ मुझे सर दर्द है कमफ्लेम की गोली लाओ, उसकी वजह से भी होता है। ओके सो डॉक्टर राशिद आपने अपने कॉसेस भी बता दिए, अब ये बताइए कि अगर किसी को गैस्ट्राइटिस है तो कौन कौन से लक्षण या सिम्टम्स उसे देखने को मिलते हैं जो एक खतरे की घंटी है कि अब एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, ये दो हिस्से बांटा जाता है, एक एक्यूट, दूसरा होता है क्रॉनिक। अच्छा, एक्यूट मीन्स जब आपने अभी कुछ खाना खाया, स्पाइसी खाया, फ्राइड फूड खाया या कोई दर्द की गोली ले ली, तो तुरंत पेन एब्डोमेन होती है, नौशिया होती है, वॉमिटिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है। तो ये जब ये कोई क्रॉनिक बीमारी होती है, क्रॉनिक में चला जाता है, उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है और वेट लॉस होता है। अच्छा, वेट लॉस की होता है इसमें, वेट लॉस हो, और वो फिर हमें देखना है किसी और बीमारी कोई डेवलप तो नहीं हुई बॉडी में जो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम डेवलप करता है, तो जिसकी वजह से हमें वेट ऑफ लॉस हो रहा है। ओके सो डॉक्टर राशिद आपने बताया कि जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में उसमें वेट लॉस भी होता है, एंड सर हमने आपसे बीमारी के बारे में जाना, सो अब आप हमें इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताइए, कैसे आप इसे डायग्नोस करते हैं और कैसे इसका इलाज करते हैं, कितना लंबा इसका इलाज चलता है? सबसे पहले मैनेजमेंट में क्या था, आपको तो अवॉइड करनी चाहिए वो चीजें जो इसके कारण है, पर दवाई ऐसे नहीं खानी चाहिए बिना डॉक्टर के कंसल्ट के। स्पाइसी आपको फ्राइड फूड बिल्कुल नहीं खाना है, अवॉइड करना है, और हर 3-4 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना, खाली पेट नहीं रहना, जैसे कि हम लोगों को एक आदत सी है किसी दिन हम खाएंगे तो कंटिन्यू खाते रहे, किसी दिन 10 सुबह के निकले आप इसमें शाम तक नहीं खा पाए तो यार आज बिजी था आज नहीं खाना, आप तो एसिडिटी टाइप की हो रही है, ये होता है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ दवाई देते हैं हम लोग, एस्ट्रो इनहिबिटर देते हैं, PPI देते हैं, एंटीएसिड देते हैं,
ओके एंड सर, इससे आप डायग्नोस कैसे करते हैं इसको? इसके लिए कौन से टेस्ट्स होते हैं जिससे गैस्ट्राइटिस का डायग्नोसिस होता है? एक्चुअली इसमें कुछ कारण भी होता है कि गैस्ट्राइटिस क्या, अगर ये बैक्टीरिया है तो या फंगल है, बैक्टीरिया वायरल होता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अपर जी एंडोस्कोपी करते हैं। अपर जी एंडोस्कोपी में ये मतलब कोई एच पायलोरी बैक्टीरिया है वो तो नहीं पाया जाता है इसमें, या कोई ऑटोइम्यून डिजीज है वो तो नहीं है, तो जिसकी वजह से हम लोग इसको डायग्नोज करते हैं, और बाकी तो क्लिनिकली हम लोग ज्यादातर देखते हैं। ओके, सो यानी कि अपर जीआई, अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, जिसके बाद गैस्ट्राइटिस का पता लगता है। तो बार बार अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, अपर एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, बर्निंग सेंसेशन है, सो ये खतरे की घंटी है, ये एक अलार्मिंग साइन है। एंड सर, आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि अब हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। आप अपने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के अलावा और क्या-क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस सजेस्ट करते हैं? हम उनको ये बताएंगे कि आप लोग स्पाइसी, सबसे पहले अपना स्पाइसी खाना बंद करें और हर 2-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते रहें, तो सर ताकि जो अपना एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो सर आप ये कह रहे हैं कि लाल मिर्ची, ब्लैक पेपर और हरी मिर्ची तीनों बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए या सिर्फ लाल? अवॉइड करना है, जो बीमार है उसको तो अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, उनको यही बता दे आप खाना टाइम पे खा लीजिए, स्पाइसी ना खाए, हर 2-3 का एक टाइम शेड्यूल होता है, हर चीज का एक टाइम होता है, जैसे कि आपको और मेरे दरमियान कन्वर्सिंग एक टाइम है, ऐसी बॉडी में भी एक टाइम होता है, हर चीज का खाने का टाइम होता है, कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये चीज जब तक हम लोग अवॉइड कर देंगे नहीं तब तक ये समस्या बढ़ती जाए। अभी हम लोग डॉक्टर लोग भी, हम लोग अभी बता पेशेंट हम लोग का अक्सर ये बताता है कि डॉक्टर साहब परहेज बता दीजिए। हाँ। जब हम परहेज बताते हैं तब वो बस शाम को कहता है घर में नहीं, आज डॉक्टर साहब ने मना किया है, सुबह उसको लगा हल्का सा रिलीफ मिलता है दवाई, वो कहता है अरे वो तो आप डॉक्टर लोग तो बोलते रहते हैं ये चीज, तो आप हमें वो दे दीजिए, आज शादी में जाना है, आज फलाना जाना है जी। तो सर एक बात बताइए कि आजकल बिकॉज बड़ी सारी डाइट्स का ट्रेंड है, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जहाँ पे आपको 8-8 घंटे कुछ नहीं खाना है, तो जो गैस्ट्राइटिस के मरीज हैं आप उन्हें ऐसी कोई डाइट फॉलो करने की सलाह देते हैं या मना करते हैं? हाँ मैम, उनको बताते हैं आप यदि इस टाइम की हाइपरटेंशन, आप कोल्ड मिल्क लिया करें अर्ली मॉर्निंग में। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग बेड टाइम, बेड पे 3-4 बजे इंसान जग जाता है, इसे पेन हो जाती है, जग जाता है, तो या इतनी बर्निंग सांसें, हम उनको पता है कोल्ड मिल्क ले लीजिए, आइसक्रीम खा लीजिए, केला फेंट के ले लीजिए, इस टाइप का, बाकी जो एसिड हो एब्जॉर्ब हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। एंड सर बहुत सारे लोग हैं जो ये भी जानना चाहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड, चिकन, फिश या रेड मीट गैस्ट्राइटिस में खा सकते हैं या ये गैस्ट्राइटिस को बढ़ावा देता है? नहीं, ये तो और बढ़ावा देगा ना, ये तो और बढ़ावा देगा, तो यानी कि अगर आप करना चाहिए, अगर आप नॉन वेज खा जाए आप उसको भी एक वैसे ले लीजिए, सौंफ डाल दीजिए, उस टाइप को सूप टाइप का बना लीजिए, आप खा सकते हैं, लेकिन आप मिर्चेदार मसालेदार खाना नहीं खा सकते। ओके, सो मिर्च मसाले आपकी जान के दुश्मन बन सकते हैं। एंड सर अगर बाय चांस अभी बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं ऑफिस में भी एसिडिटी हो रही है, एक इंडाइजेशन का गोली ले ली, कोई सिरप ले लिया, ऐसे ही लाइफ चली जा रही है और गैस्ट्राइटिस का सही टाइम पे सही इलाज ना हो, तो ये आगे चलकर क्या हो सकता है सर? मैडम अल्सर फॉर्मेशन हो सकती है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है, इसमें ब्लड आ सकता है मुंह से, यदि इन्फ्लेमेशन है कहीं से ब्लड वैसे रप्चर हो गई, ब्लड आ सकता है, बहुत सारे पेशेंट को होता ही रहता है, जिन्होंने दवाई खाते थे अक्सर कंटिन्यू पेन किलर खाते थे बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट के, तो ब्लड भी आ सकता है मुंह से। तो देखिए ये तो बहुत ही ज्यादा जानलेवा हो सकती है और आगे चलकर हमारी सेहत पर दुष्प्रभाव डाल सकती है। तो इसी के साथ डॉक्टर राशिद, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हर शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर राशिद, जिन्होंने आज हमें बताया कि मिर्च मसाले अगर आप रोजाना लेते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि वो आपकी सेहत के सबसे बड़े दुश्मन है। और ये नहीं कि आपने रेड चिली अवॉइड कर दी तो ढेर सारी हरी मिर्ची डाल ली या ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया, वो भी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो आई एम श्योर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा।
और उसी के साथ साथ अगर अगले वीडियो में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप चर्चा देखना चाहते हैं तो वो भी हमें जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत, मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में विद अ न्यू सुपर स्पेशलिस्ट एंड मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।